नीमच में आज महाविद्यालय प्रोफेसर संघ द्वारा सेवा भारती संघ को बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा ही लग रही है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए महाविद्यालय के प्रोफेसरों ने सेवा भारती संघ को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मरीजों के लिए दी है। वहीं कार्मल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा भी एक ऑक्सीजन मशीन सेवा भारती को दी गई है, जिसकी एक मशीन की लागत मूल्य करीब 55,000 रुपये है। वहीं कोविड-19 कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने महाविद्यालय प्रोफेसर संघ का ऑक्सीजन मशीन देने के लिए धन्यवाद दिया है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच के प्राध्यापकों के द्वारा और नीमच जिले के प्राध्यापक संघ के द्वारा 2 ऑक्सीजन मशीन दी जा रही है और ये ऑक्सीजन मशीन सेवा भारती को हम प्रदान कर रहे हैं ताकि लोगों को जीवन दान मिले, ये उसके लिए हमने मंगवाई है। इन मशीनों को उपयोग सेवा भारती के निर्देशन में होगा और जहां उनको उचित लगे वहां वो उपयोग कर सकेंगे। निश्चित ये कोरोना की विश्वव्यापी महामारी है और मैं इस बात को मानता हूं कि सभी समाज सेवी संस्थाओं को और जितने भी समाज सेवक हैं उनको आगे आना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचे ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। सर, मशीनों की लागत मूल्य लगभग कितनी? एक मशीन की लागत ट्रांसपोर्टेशन समेत सब मिलाकर के लगभग 55,000 रुपये आई है। तो महाविद्यालय परिवार की तरफ से 2 मशीनें हैं और लगभग ये 1,10,000 रुपये की अनुमानित है लागत। नीमच के द्वारा सरस्वती विद्यालय में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हम अभी संक्रमित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दे पाए हैं, किंतु महाविद्यालय के प्राध्यापक संघ द्वारा सेवा भारती नीमच को अनुकरणीय पहल करके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की जा रही है, इसका उपयोग प्रशासन के माध्यम से ही हम आइसोलेशन सेंटर में करना ज़्यादा उचित होगा। और सेवा भारती नीमच, आप मुख्य दानदाता प्राध्यापक संघ और इनका ऋणी रहेगा। समाज से और भी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक समाज से भी सामने आकर के इस कार्य को और गति प्रदान करें। अभी 3 आई है, 2 मशीन कॉलेज के द्वारा है और 1 मशीन स्कूल के द्वारा है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सेवा भारती को के लिए इनने डोनेट की है। अभी अस्पताल में भेज रहे हैं जहाँ ज़रूरत होगी कलेक्टर महोदय, फिर बाद में जैसे ये समय निकल जाएगा तो सेवा भारती को दे दी जाएगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।